हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास टेंथ का साइंस का जो आपका सैंपल पेपर है सेट बी कोड बी, उसके लिए जो आपका एग्ज़ाम रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है। इस सैंपल पेपर से भी आपके 5 से 7 नंबर यहाँ से निकल जाएंगे। तो इस सैंपल पेपर को आप कर लेते हो तो आपको एग्जाम में यहाँ से हेल्प जरूर मिलेगी। और जो आपके बड़े क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कहाँ से कितने बड़े क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से आप उनको कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट MCQ करवाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना आपको। और आपका जो पेपर, आपको पता है 60 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। इन्हीं में से आपको 12 नंबर क्या रहेंगे आपके पास MCQ रहेंगे, ठीक है, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाएंगे और आपके MCQ भी, ठीक है। एक एक नंबर के जो आपके ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे और आपको एक नंबर में आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है, एक ही नंबर। तो पहला सेक्शन आ जाता है सेक्शन ए भौतिक विज्ञान फिजिक्स। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी तांबे के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए इसके अनुप्रस्थ काठ के क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया जाए तो उस तार की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी। तो वो क्या आ जाएगी, उतनी ही रह जाएगी। मतलब यहाँ पे ये जरूर देखना आपको, रेजिस्टेंस है मतलब प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है, ठीक है। तो वो आपको जरूर देखना है कि प्रतिरोधकता दे रखी है। तो देखो 3 गुना हो जाएगी, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, उसको 3 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी, मतलब उतनी ही रह जाएगी। रेजिस्टेंस आ जाए तो 3 गुना मतलब इसमें घट जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें अंतिम पंक्ति में बैठे विद्यार्थी को श्याम पट देख पढ़ने में कठिनाई होती है तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो किससे रहेगा, ये निकट दृष्टि दोष से रहेगा, माइफिया से रहेगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, दीर्घ दृष्टि दोष से भी हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आया, तो आपको ये लाइट वाले में जरूर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, तो कौन सा नहीं रहेगा, ये हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। 4 का जाता है आपका, पुनः प्रयोजन का क्या अर्थ है, तो पुनः प्रयोजन का अर्थ क्या रहेगा, किसी भी वस्तु का मूल कार्य, मैं लिख यहाँ पे बोल के बता रहा हूँ, किसी भी वस्तु का मूल कार्य के अलावा किसी दूसरे कार्य करने के लिए प्रयोग करना पुनः प्रयोजन कहलाता है। जैसे टूटे हुए चाय के कप में पौधा उगाना या बीज उगाना, ये आपका क्या हो जाएगा, पुनः प्रयोजन का अर्थ हो जाएगा, या पुनः प्रयोजन किसे कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 नंबर में आ जाता है फिजिक्स। तो देख सकते हो ये आपका न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकता है इस तरीके का, ठीक है। अब आ जाता है, बड़े बांधों के निर्माण से सामाजिक व पर्यावरणीय समस्याएँ कैसे आती हैं, तो ये भी आपको मिल सकता है 2 नंबर में। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका, जो 10 का चैप्टर आपका जो लाइट वाला, लाइट 10 का है 11 का है, तो उससे आपका ज़रूर आता है कि वह तारे क्यों नहीं टिमटिमाते, ग्रह सॉरी क्यों नहीं टिमटिमाते, यह भी आ सकता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन जरूर आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नंबर, विद्युत मोटर का नाम अंकित आरेख खींचिए या यहाँ पर जनरेटर आ जाएगा, ठीक है, ये आपको जरूर करना है, जिसको 4 नंबर चाहिए, ठीक है, तो आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। 4 नंबर में कन्फर्म आएगा डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर का भी आ सकता है आपका, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, वो कैसे काम करती है मोटर, तो आपको 4 नंबर में देखने को मिल सकता है। ये आपके न्यूमेरिकल आ गए, आपको देख लेना है, ठीक है। और ये आपके आ गए जो आपकी भाई वस्तु को आउटर लेंस के अनंत पर रखा गया तो रेखा चित्र बना के उसको प्रतिबिंब की स्थिति आकार प्रकृति स्पष्ट कीजिए, तो 4 नंबर में ये जरूर आता है कि भाई अवतल पे रख दिया, ठीक है, उत्तल पे रख दिया, तो इसका आपको जरूर कर लेना है जो आपके लाइट वाले से हैं, प्रकाश से हैं, ठीक है। अब आ जाता है सेक्शन बी रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, तो क्यों नहीं होता, क्योंकि आयन होते हैं ना उसमें, क्या नहीं कहते, विस्थापित नहीं होते, मतलब विमोचित नहीं होते, क्या नहीं होते, उसमें जो आयन होते हैं, क्या होते हैं, आयन मतलब क्या नहीं होते इसमें, जो आयन होते हैं डियर फ्रेंड, मतलब एच प्लस जो आयन होते हैं वो क्या नहीं होते, अलग नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, 2 तत्वों के नाम बताइए जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से, हमारे मैग्नीशियम होगा एक तो, ठीक है, एक क्या होगा कैल्शियम, ठीक है, जिसमें बाहरी कोष में क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 13 का, इसमें 2 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। 14 का भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये जरूर करना है 14 का, ठीक है।
उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, दो नंबर आपको पूछ सकता है। और ये भी, तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है, उदाहरण दीजिए। या ये क्वेश्चन तो लगभग हर बार पूछा जाता है, 19 में पूछा गया था कि लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके लिखो। भाई लोहे को, जो लोह है आपका, मतलब कोई भी चीज़ है लोहे की, उसको जंग से बचाने के लिए आपको कोई दो उपाय लिखने हैं, दो तरीके लिखने हैं आपको, वो आपको बताना है। ठीक है, दो नंबर में जो आपके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु या धातु में विभेद बताइए, मतलब धातु या धातु में आपको क्या मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। अब ये देखो 17 क्वेश्चन है, ये आपका भी आ जाता है लगभग हर बार, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और जिसको भी आपको तैयारी करनी है, अभी आपके पास 18 तारीख हुई है, 18 मार्च, तो 20 मार्च का पेपर है, जिसको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी PDF मंगवा सकते हो। ठीक है, सॉल्यूशन की PDF रहेगी आपके पास 69 रुपीज़ की रहेगी, आपको 69 रुपये पे करने पड़ेंगे, और विदाउट सॉल्यूशन की आपको वो रहेगी 29 रुपीज़ में। ठीक है, तो वो आप मंगवा सकते हो। और यहीं से 90%+ आपका क्या है, जो 60 नंबर का पेपर होता है तो 50+ नंबर आपको PDF से ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाता है बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, मतलब हानिकारक है, तो कौन सा हो जाएगा, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, जो ओजोन परत को क्या नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है, समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, हमारा हाथ, कुत्ते का अगरपाद, हमारे दांत, हाथी के दांत, आलू व घास के ऊपरी पुस्तारी। ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 20 का, निम्न में से कौन मानव में नर जन तंत्र का भाग है, तो मानव में नर मतलब जो पुरुष होता है उसमें, तो कौन सा, देखो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिम्बवाहिका, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो अंडाशय गर्भाशय ये क्या होते हैं, वुमन में होती हैं। ठीक है, डिम्बवाहिनिकाएँ भी होती हैं, शुक्रवाहिका क्या होती हैं, ये पुरुष में होते हैं, मतलब नर में होते हैं। ठीक है, मादा में तीनों बच्चे किस में होते हैं, मादा में होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवाहिका। नेक्स्ट आ जाता है जीवाश्म क्या है, तो देखो जीवाश्म क्या होते हैं, नॉर्मली आपको मैं ऐसे बताता हूँ, जो जमीन में जो जीव होते हैं, ठीक है, तो उसको मतलब किसी तरीके से, मान लो हम किसी भी जो जीव होता है भूमि में रक्षित अंश या छाप को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पोषी सतर क्या है, तो पोषी सतर क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव द्वारा भोजन अथवा ऊर्जा प्राप्त करना पोषी सतर कहलाता है, मतलब एक जीव से दूसरे जीव द्वारा क्या कहला, अपना भोजन या ऊर्जा प्राप्त करना क्या है, पोषी सतर कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दो नंबर में, ये आपको जरूर करना है ये भी। अब देखो 24 का, ये क्वेश्चन तो लगभग बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूर करना है। तो 25 का देख लो, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, बीज अंकुरण का नाम के चित्र बनाइए। ठीक है, एक डायग्राम की एक अलग से वीडियो आ जाएगी, वो भी आपको ज़रूर देखनी है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट की वीडियो भी आपको जल्दी मिलने वाली है, तो वो भी आपको ज़रूर देख लेनी है। ठीक है, तो इसमें डायग्राम कुछ ज़्यादा आते हैं, तो ये भी आपको देख लेना है, क्योंकि इन्हीं में से आते हैं क्वेश्चन आपने। ठीक है, एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामक चित्र बनाइए, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि आपके क्या पता है यहीं से क्वेश्चन उठ जाए। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन, तो मानव हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए, ये 6 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था आपका सैम्पल पेपर, और सैम्पल पेपर भी आपको शाम तक एक वीडियो आ जाएगी, वो भी ज़रूर देखना आपको, चारों सेट ABCD की, तो वो भी आपको ज़रूर देखना। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।